हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आपकी सीजी व्यापम की, हॉस्टल वार्डन की या सीजी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी के क्रम में हम आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उसकी तैयारी हम आपको इस क्लास में, मैथ्स की क्लास में करवा रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अलजेब्रा। और थंबनेल को देखकर आपने समझ गया होगा कि हम किस क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन हम आप डिस्कस करेंगे या जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वह जो एग्जाम में अगर देखें तो 2 से 3 बार डिफरेंट एग्जाम में आ चुका है और जो आने वाला अभी जो सीटी टेट का एग्जाम है मान के चलिए उसमें भी पूछा जा सकता है। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसे सॉल्व कैसे करते हैं उसे भी हम जानते चलेंगे। चलिए, तो जैसे कि आपने देखा कि एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर हमेशा पूछा जाता है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा। ठीक, देखिए यहां पर आपको दिया जाएगा x प्लस 1/x की वैल्यू, यहां पर a दी जाएगी, कुछ आपको वैल्यू दी जाएगी और आपको पूछा जाता है कि बताइए एक्स स्क्वायर 1/x² की वैल्यू क्या होगी। साथ ही साथ आपको पूछा जाएगा कि आप बताइए x³ 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके बाद जो फॉर्मूला तैयार होगा उसको आप डायरेक्ट रट्टा मान लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा उसमें रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए। क्योंकि हमारे पास यहां पर क्या दिया है, x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है। क्या दी है हमारे को, a दी है। ठीक, यदि हम दोनों तरफ वर्ग ले ले, बोथ साइड या दोनों तरफ अगर स्क्वायर हम कर ले, बोथ साइड स्क्वायर कर लिए हम तो बोथ साइड अगर स्क्वायर की तो क्या होगा, ये एक्स प्लस 1/x² यहां पर भी हो गया स्क्वायर। देन आपको यहां पर क्या मिलेगा जब इसे ओपन करेंगे, तो x² 1/x² प्लस, अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है और a प्लस b का होल स्क्वायर में क्या होता है, a² b² प्लस 2ab। तो यहां पर क्या होगा, 2 × x × 1/x बराबर a². क्लियर है? ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं, यहां पर क्या होगा, तो x² 1/x² प्लस ये मिल जाएगा आपको 2, क्योंकि ये x क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये मिल गया आपको a². ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा x² 1/x² बराबर a² - 2। क्लियर है? तो आपको कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन देगा तो आप याद रखिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि x + 1/x² की x की वैल्यू अगर a दी गई है तो उसका x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, a² - 2। ठीक है, आप डायरेक्ट इसे याद रखिएगा, आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग इस आधार पर बनाएंगे। क्लियर? अगला आपको पूछा गया, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर ये हुआ। अगला अगर आपको पूछा जाए x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, चलिए इसके लिए भी हम यहां पर इसका एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखिए आपको दिया गया है यहां पर x + 1/x की वैल्यू कितनी दी गई है, a दी गई है, क्योंकि हमें वहां पर क्या निकालना है, अब x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी, इसलिए हम दोनों तरफ क्या लेंगे, दोनों तरफ घन लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या लेंगे, हम घन लेंगे, दोनों तरफ घन कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। अगर हम क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x + 1/x³ बराबर a का घन। अब इसे ओपन कर लेते हैं, जैसे हमें फॉर्मूला पता है क्या होगा, x³ + 1/x³ + 3xy, तो क्या होगा यहां पर, 3 × x × 1/x। जिनको ये फॉर्मूला ना पता हो, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ब्रैकेट में क्या होगा यहां पर, x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, x³ 1/x³ प्लस ये x कैंसल और यहां पर आपको मिल गया 3x + 1/x बराबर a³। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है उसे देखिए, क्योंकि अगर इसे समीकरण एक में दे दूं तो इसमें आपको दिखता है कि x + 1/x आपने क्या माना है, a माना है, तो क्या हम यहां पर x + 1/x की वैल्यू रख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर हाँ रख सकते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, तो x³ + 1/x³ प्लस अब ये वैल्यू हो जाएगी क्या, 3a और ये हो गया a³। डन, तो यहां पर आपको x³ + 1/x³ बराबर आपको वैल्यू मिल जाएगी a³ - 3।
3a, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला क्या हो गया उसे आप ध्यान से देख लीजिए, तो आपको फॉर्मूला यहां पर बन गया एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी, a क्यूब माइनस 3a, ठीक है। फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं कि कभी भी अगर आपको x क्यूब प्लस 1/x³ कभी भी पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर होगा, डायरेक्ट हम रखेंगे a क्यूब माइनस 3a, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, रट्टा मार लेना एग्जाम में जाओगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना, आंसर निकाल लेना, एक्स्ट्रा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपको समझाने के लिए बताया गया, बट आपको जो याद रखना है वो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एक बार मैं सभी फॉर्मूले फिर से यहां पर लिख दूंगा और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन बता दूं, ठीक। चलिए एक छोटा सा एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि बताइए, और दिया हुआ ही क्वेश्चन है जो एग्जाम है अभी हम लोग बनाएंगे भी, ठीक। तो देखिए यहां पर आपको दिया रहेगा x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है हमें, तो यहां पर मान लेते हैं 3 दिया गया है, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दी गई है। आपको पूछा जा रहा है कि बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, पहला क्वेश्चन फाइंड, ठीक है, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू। इसके अलावा आपको बताना है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, ये दो क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे, ठीक। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको ये याद करवाऊंगा कि अगर इस टाइप का अगर आपको डेटा दिया गया है जिसमें आपको x प्लस 1/x की वैल्यू a दी गई है और आपको पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर 1/x², तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 2। साथ ही साथ अगर आपको एक्स क्यूब के बारे में पूछा गया और 1/x³ के बारे में पूछा गया तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a। कैसे निकाला क्या करना है वो आपको मैंने पीछे जस्ट बताया, बस इसी फॉर्मूले में हमको यहां पर डेटा रखना है और आंसर पाना है, और कुछ हमें नहीं करना है, क्योंकि वहां पर क्या दिया a स्क्वायर माइनस 2, तो a के स्थान पर क्या है 3 है, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो बोलेंगे सर ये 7 हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या बोला है एक्स क्यूब 1/x³, तो वहां पर वैल्यू क्या है ए क्यूब माइनस 3a, तो ए क्यूब माइनस 3a मतलब 3 का क्यूब होगा और माइनस 3 इंटू क्या 3 होगा, क्लियर है। तो जो जो वैल्यू है बस मैंने वहां पर फॉर्मूले में रख दिया और आंसर अब हम निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 = 27, 27 माइनस 9 बराबर कितना हो गया 18, क्लियर है यहां तक चीजें। आपको यहां पर हमने सिखा दिया कि एक्स स्क्वायर 1/x² का वैल्यू कैसे निकालना है, साथ ही साथ आपने देखा कि एक्स क्यूब और 1/x³ की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, यहां तक चीजें क्लियर है क्या, ठीक। एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना सीख गए, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का भी वैल्यू निकालना हम सीख गए, डन। तो डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या, ए स्क्वायर माइनस 2 और ए क्यूब माइनस 3a। चलिए कुछ और चीजें मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ बिल्कुल बहुत आसान सा एक तरीका बताता हूं जिससे और कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। देखिए यहां पर अभी आपने देखा कि हमने क्वेश्चन लिया था 1/x, x + 1/x = 3, ठीक है। तो हमको जो जो पूछा गया उसके हिसाब से हमने डेटा निकाला, जैसे कि आपको पूछा गया था एक्स स्क्वायर 1/x², ये तो निकालना आपने सीख लिया। इसके अलावा अगले कुछ मान लो इस प्रकार के क्वेश्चन भी किए जाए, जैसे आपको पूछ लिया जाए x² = 1/x², ठीक। फिर पूछ लिया जाए मान लो आपको x^8 + 1/x^8, या आपको पूछ लिया जाए x^16, या आपको पूछ लिया जाए x^16, इनमें से कुछ कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बिल्कुल आप विद इन मिनट आप ये क्वेश्चन पूरे के पूरे जितने भी डेटा है उसको बता सकते हैं। कैसे बताएंगे उसको देख लीजिए। अब देखिए यहां पर जो भी आपने काम किया है, पहला चीज जो भी आपने काम किया है वो क्या है, ये नंबर जो है मल्टीपल में, जैसे 2 × 4, 4 × 8 और 8 × 16 जस्ट मल्टीपल ऑर्डर में बढ़ते गए हैं, वैसी नंबर को मैंने यहां पर लिख दिया है। अगर इस टाइप के मल्टीपल नंबर के ऑर्डर में आपको ये नंबर या क्वेश्चन आपको दिखता है तो इसका आंसर कैसे निकालना है उसे देख लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 2, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 3 × 9, 3 × 9 - 2 कितना आ गया 7। अब अगला देखिए x^4 + 1/x^4 का आंसर कैसे तुरंत आएगा,
ठीक है। देखिए यहां पर भी जैसे हमने ए स्क्वायर माइनस टू किया था, बिल्कुल ए के जगह में आप क्या मान लीजिए, सेवन को ले लीजिए, तो आप बोलेंगे सेवन का स्क्वायर क्या करना है आपको, माइनस टू करना है। क्लियर है क्या? पिछला जो वैल्यू था जस्ट उसको हमने लिया, सेवन स्क्वायर माइनस क्या कर दिया, टू कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा यहां पर, सात सत्य, सत्य सत्य के साथ सत्य कितना हो जाएगा हमारे पास उनचास, और उनचास माइनस दो कितना हो जाएगा हमारे पास सैतालीस। क्लियर है क्या? इसके बाद अगला की अगर हम बात करें एक्स पावर आठ प्लस वन बाई एक्स पावर आठ, अगर इसको आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 47 को फिर लेकर आ जाइए यहां पर, 47 का स्क्वायर माइनस कितना कर देंगे आप, यहां पर फिर से टू कर देंगे। क्लियर है क्या? 47 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा यहां पर 2209 माइनस टू, और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा कितना, 2209 माइनस 2207 मिल जाएगा। क्लियर है क्या यहां तक चीजें? और लास्ट आपको जब x का पावर ये करना है तो फिर से वही काम करना पड़ेगा, 2207 का स्क्वायर लेंगे और माइनस 2 कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो आपको कभी भी इस फॉर्मेट में चाहे x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दी हो तो आपको स्क्वायर पूछे, पावर फोर में पूछे, पावर एट में पूछे, पावर सिक्सटीन में पूछे, आपको कंटिन्यूस ऐसा ही बढ़ते चले जाना है। एक क्वेश्चन और लेके ऐसे ही वाला, चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको बिल्कुल वैसे ही दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए यदि अगर आपको दे दिया जाए x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू, यहां पर आपको 5 दे दी गई, ठीक है, और आपको पूछा जा रहा है चलिए बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगला आपको पूछ लिया उसी मल्टीपल में x पावर 4 वन बाई एक्स पावर 4 क्या होगा, ये पूछ लिया। तीसरा आपको पूछ लिया आप बताइए, चलिए यहां पर 4 के बाद ले लेते हैं हम लोग इसका जस्ट मल्टीपल यानी 8 ले लेते हैं, तो 8 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x पावर 4 x पावर 8 और x पावर 8, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कर लिया गया, तो मैंने क्या बताया कि आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 2 करना है। ए स्क्वायर माइनस 2 मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और 25 माइनस 2 कितना मिल जाएगा आपको, 23 मिल जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है? इसके बाद आप यहां पर आ जाइए, तो यहां पर क्या करना है, इसी नंबर को फिर स्क्वायर कीजिए, 23 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और 23 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको, 529 माइनस 2, और ये आंसर हो गया आपके पास 527। अब अगला बताइए क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर यहां पर कर लेंगे हम लोग 527 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, 2, तो आपको एक्स पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स पावर 8 का वैल्यू भी मिल जाएगा। क्लियर है क्या? इतनी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान से रखनी है, ये तरीका बिल्कुल ध्यान से रखना है, आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बिल्कुल बना सकते हैं। ये x पावर वर्ग और ये x पावर 4 x पावर 8, इसी के मल्टीपल में कोई भी नंबर आएगा, तो बस यही तरीका आपको अपनाते चलना है, ठीक। अब देखिए अगला कुछ पॉइंट, कि आप बोलेंगे सर ये तो आपने एक्स स्क्वायर के बारे में भी बता दिया, एक्स क्यूब के बारे में, एक्स फोर के बारे में, अगर आपको x5 के बारे में पूछेगा तब आपको क्या करना है उसे देखिए। देखिए आपके लिए वही नंबर मैं ले लेता हूं, x प्लस वन बाई एक्स बराबर हमें क्या दिया गया था, यहां पर 3 दिया गया था, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर आपको पूछ लिया जाए मान लो की बात कि x पावर 5 और 1 बाई एक्स पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, ये आपके लिए यहां पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कि अब पूछ लिया आपको कि बताइए 5 एक्स पावर 5 और प्लस एक्स पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको करना क्या है ध्यान से देखिए। अगर मैं ये 5 को देखूं, ध्यान से देखना यहां पर जो चीजें मैं बताने वाला हूं, अगर मैं ये 5 को देखूं, पावर 5 को अगर मैं देखूं तो ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो 3 से और एक तो किससे, 2 से। क्लियर है? ये 5 कैसे बना है, 3 से बना है और 2 से मिलकर बना है, यानी 3 और 2 को हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 5 बनता है, ठीक। अब इसी से आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसी से आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए अगर आपको कभी पूछे कि बताइए चलिए यहां पर x पावर 5 और x पावर 1 प्लस x पावर 5 क्या होगा, तो आपको लिखना क्या है यहां पर, आपके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला यह होगा आपके लिए एक्स क्यूब वन बाई एक्स क्यूब गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ आपको माइनस करना है एक्स प्लस वन बाई एक्स। क्लियर है क्या? इतना काम आपको बस कर लेना है, इतना काम, ध्यान से देखिए यहां पर फॉर्मूले को, इतना काम बस आपको कर लेना है। क्लियर है यहां तक चीजें?
ठीक, क्या किया हमने यहां पर एक्स क्यूब और दो को लिया, मैंने बताया था तीन और दो में तोड़ना है, तो यहां पर क्या हुआ, एक मिला तीन, एक मिला दो, और बस आपको क्या करना है माइनस में एक्स प्लस वन बाई एक्स कर लेना है। ठीक, बिल्कुल यही तरीका आप सेवन के लिए भी अपना सकते हैं। जैसे अगर आपको पूछा जाए एक्स पावर सेवन प्लस वन बाई एक्स पावर सेवन क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ध्यान से, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका, इस सेवन को देखिए ध्यान से, सेवन को देखने के बाद आपको क्या पता चलता है बताइए, सेवन को आप किन किन रूपों में तोड़ सकते हैं, सेवन को आप किन किन रूपों में तोड़ सकते हैं बताइए। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इस सेवन को हम थ्री और फोर में तोड़ सकते हैं, तो अगर इसे तीन और चार में तोड़ा जा सकता है तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो यहां पर क्या करते हैं हम फिर से वैसे लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। ठीक, इसके अलावा ये चार क्या शो कर रहा है, एक्स पावर चार वन बाई एक्स पावर चार, क्लियर है क्या, माइनस हमको ले लेना है क्या फिर से एक्स प्लस वन बाई एक्स, क्लियर है, इन दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, ये थ्री टू फाइव लिए हमने, यहां पर थ्री और फोर ले लिया, बस अब आपको जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर उस डेटा को रखेंगे और आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको क्या पूछा गया था, x प्लस वन बाई एक्स बराबर तीन, तो बताइए x पावर फाइव वन अपॉन x पावर फाइव क्या होगी। ठीक है, चलिए x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर तीन दिया है तो आपको बताना है x पावर फाइव वन बाई एक्स पावर फाइव क्या होगी। अभी हमने फॉर्मूला देखा और फॉर्मूले में कुछ इस प्रकार से था कि एक्स क्यूब वन बाई एक्स क्यूब और यहां पर था हमारे पास एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर और माइनस था हमारे पास क्या x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू। डन, अब बताइए x क्यूब वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कैसे निकलती है, तो आप बोलेंगे सर हमें तो पता है कि ये क्या होता है a क्यूब माइनस थ्री ए होता है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक, इसके अलावा यहां पर भी आप जानते हैं x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, a स्क्वायर माइनस टू होती है, और माइनस यहां पर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो ये तो आपको डायरेक्टली पता, यहां पर दिया हुआ है कितना तीन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये फाइंड करना है आपको। ठीक, चलिए तो अब एक ही वैल्यू बस आपको रखनी है, आंसर लेना है, तो यहां पर रखते हैं हम लोग तीन का क्यूब हो जाएगा ये माइनस तीन इंटू तीन। ठीक, यहां पर कितना होगा तीन का स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक, बताइए यहां कितना हो जाएगा सत्ताईस, सत्ताईस माइनस नौ, और ये कितना हो जाएगा तीन थी नौ माइनस दो। ठीक है, सत्ताईस माइनस दो कितना, नौ कितना हो जाएगा आपके पास, अच्छा ये प्लस होना है, प्लस होना है, इसमें प्लस होगा। ठीक है, ये चीज अब यहां पर देखिए 27 माइनस नौ हमारे पास कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा सात हो जाएगा, माइनस थ्री करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 126 माइनस तीन 123, और 123 आपका वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किसका, एक्स पावर फाइव वन अपॉन एक्स पावर फाइव। वैसे ही यहां पर भी ये जो फॉर्मूला आपने सीखा, ठीक है, ये जो फॉर्मूला अभी आपने सीखा x पावर सेवन और वन पावर x पावर सेवन, यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही चीजों करना है, x पावर तीन का डेटा रखना है और x पावर फोर का डेटा रखना है और आंसर आपको निकाल लेना है। क्लियर, ये निकालना भी आता है आपको और ये निकालना भी मैंने सिखा दिया। डन, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं हम साथ ही साथ, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू यदि a दी गई है तो आपको बताना है x पावर 6 और 1 बाई एक्स पावर 6 क्या होगा। अब इसको लास्ट निकालना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद में पूरा क्रोनोलॉजी में आपको जो जो चीजें हमने लिखी पूरी एक साथ में बता दूंगा क्या क्या चीजें हमने सीखी। ठीक, अब देखिए यहां पर x पावर 6 1 बाई एक्स पावर 6 आपको दिया गया है, तो यहां पर देखिए यदि मैं यहां पर ले लूं x पावर 1 बाई एक्स पावर 3 का, ये वैल्यू मुझे पता क्या है कि ये होता है a क्यूब माइनस थ्री ए। ठीक, बस इसमें छोटा सा काम करना है, जब आपको x क्यूब, जब आपको x पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स पावर सिक्स पूछी जाएगी तो इसी वैल्यू का स्क्वायर लेकर a क्यूब माइनस थ्री ए का स्क्वायर लेकर माइनस टू कर देना है, बस इतना काम आपको करना है और ये आ जाएगा इसका आंसर। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन ले ले,
अगर आपको दिया गया है कि बताइए 1/x पावर यहां पर 3 दिया गया है, तो आपको पूछा जा रहा है कि बताइए x पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। तब आपको करना क्या है यहां पर, तो आप सबसे पहला काम करेंगे क्या, आप निकाल लीजिए x³ 1/x³ की वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, a क्यूब का वैल्यू कितना होगा 3 का क्यूब, माइनस हमें लेना है 3 × 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 - 9 हमें कितना मिल जाएगा 18। क्लियर है। अब x क्यूब वैल्यू निकालने के बाद आपको करना क्या है, देखिए ये फॉर्मूला भी दिख रहा है इसलिए कठिन लग रहा है, अब देखिए आसानी से बिल्कुल x^6 1/x^6 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब करना क्या था, a³ - 3a का वैल्यू को आपको स्क्वायर करना था, तो यहां पर स्क्वायर कितना है हमारे पास 18 का स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, तो 18 का स्क्वायर कर लीजिए और -2 कर लीजिए, 18 का स्क्वायर कितना होगा यहां पर हमारे पास 324, ठीक 324, और कर लेना है आपको क्या -2, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 322। क्लियर है क्या, ठीक है। इतनी चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल आपको तरीका पता होना चाहिए बनाने का, ठीक है यहां तक चीजें। चलिए एक बार मैं सभी चीजों को एक साथ बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आपने देखी। अभी आपको मैंने बताया कि x+1/x की वैल्यू अगर दी गई हो, a दी गई हो, तो आप पहला निकाल सकते हैं यहां पर क्या x²/x² की वैल्यू, और उसकी वैल्यू होती है हमारे पास क्या a² - 2, ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है x³ 1/x³ की वैल्यू, वो कितनी हो जाती है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास a³ - 3a हो जाता है। उसके बाद मैंने 2 का मल्टीपल बताया था, 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारे पास 4, तो x⁴, और यहां पर x⁴ क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर a²-2 का स्क्वायर किए थे हम, a²-2 का स्क्वायर -2। क्लियर है, ठीक। और चौथा हम जब लेंगे x⁵, 1/x⁵, इसके लिए हमने क्या किया था, 3 और 2 में तोड़ा था, तो 3 और 2 में तोड़ लेते हैं इसे, तो हम लिखे थे क्या x³ 1/x³ × x² + 1/x² - हमें क्या करना है x+1/x। ये हो गया आपका पांचवे के लिए। छठवा भी हम देख लेते हैं, छठवा क्या क्या होगा, तो छठवे का भी हमने देख लिया कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। छठवे का हम अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा यहां पर, तो ये हो जाएगा आपके पास a³ - 3a² - 2। क्लियर है, क्यूब वाले को लेना है 6 में और स्क्वायर वाले को लेना है 4 में, बस इतनी चीजों को आप याद रखिए, पूरे को निकाल लीजिए, कोई भी डेटा क्वेश्चन दिया हो आपका बन जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको सीजीटेट का दिखा रहा हूं, फिर आपको बहुत जबरदस्त क्वेश्चन में बताने वाला हूं जिसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही इजी आपको लगेगा और आसानी से आप बना सकेंगे। सीजीटेट में आया हुआ क्वेश्चन हम देखते हैं क्या था, आप आसानी से इन फंडे को इस लॉजिक को याद करके उसे बना सकते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा गया था, x+1/x की वैल्यू 3 दी गई थी और आपको पूछ लिया गया था x⁵/1/x⁵ क्या होगी। तो अभी मैंने आपको बिल्कुल फॉर्मूला बताया है, ठीक है, फॉर्मूला देखा आपने, यहां पर फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है, फॉर्मूला हमने देखा था, क्या देखा था यहां पर फॉर्मूला, तो 3, 5 वाले को कभी भी आपको मिलेगा तो आपको 2 पार्ट में तोड़ना है, तो 2 पार्ट में कैसे तोड़ेंगे, x³ / 1/x³, x²/1/x² - x+1/x। क्लियर है क्या, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब देखिए आपके पास इसमें करना क्या है, पहला काम इसको आपको इसका वैल्यू निकालना था, फिर x²+1/x² का वैल्यू निकालना था, तो यहां पर हम निकाल लेते हैं एक बार फिर से, तो x² का वैल्यू निकालते हैं 1+x², तो आपको जैसे पता है कि वो क्या होता है a²-2 होता है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 7, ठीक। फिर निकाल लेते हैं हम लोग x³ 1/x³ की वैल्यू, तो कितनी होती है a³ - 3a, तो यहां पर देखिए a का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 है, तो 3 का क्यूब लेंगे हम -3 × 3 करेंगे, तो यहां कितना हो जाएगा आपके पास 3 × 9 = 27, -9, और आपको वैल्यू मिल जाएगा 18। और लास्ट अगर बात करें x+1/x की वैल्यू, तो वो तो आपको पता है 3 दिया हुआ है,
बस आप आंसर निकाल लीजिए यहां पर, तो क्या होगा, तो यहां पर आपको पहले सबसे पहले क्या रखना है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है 18 इंटू यहां पर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 हो जाएगा, और माइनस आपको लेना है ए का वैल्यू मतलब 3, ठीक है। ये हो गया आपके पास 126 माइनस 3 123, अभी जस्ट हमने बनाया था और आंसर आ जाएगा कितना 123। क्लियर, बिल्कुल सीजी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बनाने का तरीका क्या होगा कैसे होगा मैंने बता दिया, आपको याद बस ये फॉर्मूला रखना है और फॉर्मूले याद रखकर आपको जाना है। यहां पर आपको ये भी पूछा जा सकता था कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी पूछ सकती थी, या एक्स स्क्वायर एस क्यूब वन प्लस एस क्यूब का भी वैल्यू आपको पूछा जा सकता है। यहां तक हर चीज आपको समझ में आ गई होगी। वैसे ही बिल्कुल बहुत ही इजी सा क्वेश्चन अभी आपने बनाया, उसके आधार पर इसका भी आंसर आप बता सकते हैं। यहां पर आपको क्या दिया था x प्लस, ये भी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, x प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 दिया गया था और आपको पूछ लिया था 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो आप बोलेंगे सर ये तो हम बहुत इजी अब तक आपने समझाया है, उसके आधार पर हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2, और ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 2 हम लिखेंगे, 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 7, और 7 हो गया हमारा क्या आंसर। क्लियर है यहां तक चीज समझ में आ रही होगी, एक एक पॉइंट मैंने ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं, आपको ये गिवन डेटा रहेगा, यहां पर कोई भी वैल्यू आपको निकालने को कहा जाएगा। क्लियर है, अब मैं जो अगला कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं उसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि उस आधार पर एक क्वेश्चन आप बिल्कुल बना सकते हैं, बड़े से बड़ा क्वेश्चन उस आधार पर उस बेस पर सॉल्व हो जाता है। देखिए यहां पर आपको गिवन डेटा दिया रहेगा एक्स प्लस वन बाई, ये दिया हुआ है 2, x प्लस वन बाई 2 आपको पूछ लेगा, बताइए फाइंड कीजिए ज्ञात कीजिए, आपको पूछेगा कि बताइए x पावर 78 प्लस वन पावर x पावर 78 क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कर लेगा। आपको पूछेगा बताइए x पावर 99 हो और यदि x पावर 99 हो तो इसका पहलू क्या होगा, आपको ऐसा भी बोल देगा चलिए बताइए कि x पावर अगर 99999 हो, x पावर 999 प्लस 1 बाई x पावर 999, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया हो तब क्या होगा, ठीक है, तीनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक, अब होता यह है कि आपने तो फॉर्मूले याद करके गए हैं और फॉर्मूले याद करके जाने के कारण आपके मन मस्तिष्क में क्या है, फॉर्मूला छपा हुआ है और आप क्या करेंगे फॉर्मूले से निकालने का प्रयास करेंगे, बट आपने फॉर्मूला कहां तक याद किया है, एक्स स्क्वायर क्यूब और एक्स पावर 4 एक्स पावर 5 या तो ज्यादा से ज्यादा 6-7 तक आपने याद किया, बट यहां पर ऐसे क्वेश्चन इतने बड़े बड़े घात वाले जब प्रश्न आ जाए तब आप क्या करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल इस तरीके को भी आपको आजमाना है और इस तरीके को अगर इस आधार पर ऐसा क्वेश्चन आया तो वो सबसे ज्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला क्या यूज ही नहीं कर रहा है, विदाउट फॉर्मूला बिल्कुल ट्रिक से या कॉन्सेप्ट से आपका सॉल्व हो जाता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यह है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपको करना है। ठीक, देखिए यहां पर अगर आप देखें x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ, ये आपको गिवन डेटा दिया हुआ है। अब गिवन डेटा में अगर मैं देखूं कि यदि मैं x का मान अगर क्या रख दूं, 1 रख दूं, x का मान यहां पर 1 रखता हूं तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1, ठीक, x का मान 1 रख दिए और राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ 2, यहां पर भी जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 और लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी क्या है 2, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है गिवन डेटा में है वो हमने प्रूफ कर दिया, कैसे, जब हमने x का मान 1 रखा, यानी x का मान एक जो है ऐसा मान है जो आपके इसके मान को यहां कर इस समीकरण को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक, अब ये इस x के मान को बस आपको क्या करना है, अब रखना है और आंसर लेना है। क्लियर है, यहां तक चीज समझ में आई, तो x का मान जो 1 है ये इसे सेटिस्फाई कर जाता है, यदि इसे सेटिस्फाई कर जाता है तो आप बोल सकते हैं सर यहां पर भी अपन 1 रख सकते हैं और यहां पर भी 1 रख सकते हैं, तो 1 का पावर कितना हो जाएगा भाई, 78 प्लस 1 का पावर 78, आंसर क्या मिल जाएगा आपको 2, यहां पर भी देखिए आप 1 का पावर कितना लेंगे 99, यहां पर भी क्या लेंगे 1 का पावर 99, ये भी कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहां पर 2 हो जाएगा। क्लियर है, फिर यहां पर भी आप ले लीजिए 1 का पावर 999 और ये हो जाएगा 1 का पावर 999, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां पर भी आपको मिलेगा 1 प्लस 1 2,
क्लियर है। तो बस हमने क्या किया, गिवन डेटा जो दिया गया था, गिवन डेटा दिया हुआ जो था उसको हमने बस एक्स का मान रख के सेटिस्फाई किया। अगर ये तीन होता तो ये मान सेटिस्फाई नहीं होता, क्लियर है। ये हर जगह आप इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते, बट अगर यहां पर ये रूल सेटिस्फाई कर गया, जैसे हमने यहां एक रखा तो क्या बन गया दो, इस प्रकार से अगर सेटिस्फाई कर जा रहा है तो वहीं पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल आप चुटकियों में इन प्रश्नों को बना देंगे। चलिए, इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार सीजी टेट में पूछा था, बच्चे बहुत कंफ्यूज और बोले कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसका आंसर निकालना बहुत इंपॉसिबल टाइप लग रहा है, बट मैं अब उसको पॉसिबल करके आपको दिखाऊंगा। ऐसा ही कुछ तरीका हम अपनाएंगे और वहां पर उस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था गिवन डेटा में। गिवन डेटा को सबसे पहले आपको देखना है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ, जीरो दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको दिया हुआ है ए का पावर चार, बी का पावर चार और सी का पावर चार। इसका क्या है, आपको मान निकालना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। इसका एक मान आपको निकालना है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर अब जैसे मैंने बताया था x प्लस वन बाई एक्स वाले में 2 का वैल्यू हमने जैसे सेटिस्फाई करके रखा था, वैसे ही हम यहां पर भी एक प्रयास करेंगे कि a का मान b का मान और c का मान कोई ऐसा मान वहां पर रख दे ताकि ये राइट हैंड साइड में जो जीरो है वो हमें मिल जाए। a का b का c का ऐसा मान हमको रखना है कि हमें क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। तो आप बोलेंगे सर यहां पर वन वन रख के देखते हैं, अगर a का मान वन रखे वन रखे वन रखे तो एक एक रखने पर अगर तीनों को हम जोड़ते हैं तो तीन हो जाता है, जोड़ने पर क्या हो जाता है तीन। बट अगर यदि अगर आप a का मान एक रखें, b का मान भी क्या रखें एक रखें और c का मान आप ले लें माइनस टू, ठीक है, c का मान यदि आप माइनस टू ले लें तो देखिए यहां पर एक प्लस एक दो हो गया और दो माइनस दो क्या हो गया, शून्य हो गया। मतलब a का मान एक, b का मान एक और c का मान माइनस दो जो है, इस समीकरण को जो गिवन डेटा हमारे पास था उसे क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। अगर ये सेटिस्फाई हो गया मतलब ये समीकरण में भी हम अगर वैल्यू रखते हैं तो सेटिस्फाई कर जाएगा और आंसर मिल जाएगा। तो चलिए रख के देख लेते हैं। तो यहां पर a का मान हमारे पास कितना है, एक है, तो एक का पावर चार रख लेते हैं। यहां पर b का मान कितना है, एक है, तो एक का पावर चार। और c का मान हमारे पास क्या लिया हमने, माइनस टू का पावर चार ले लिया। बस वो वैल्यू को बस हम रखते जा रहे हैं, आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक। एक स्क्वायर, यहां पर भी b का मान एक स्क्वायर, c का मान क्योंकि माइनस टू है तो माइनस टू का स्क्वायर, और यहां पर कितना हो जाएगा हमारे पास, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ठीक है। इसे ओपन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास, एक का स्क्वायर एक, दो और ये दो, ठीक है, वन प्लस दो का पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए माइनस है, घात क्या है चार है, ये माइनस है घात चार है, इसलिए क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, और दो का पावर चार क्या होता है, सोलह हो जाता है, क्लियर है क्या। माइनस देखिए, माइनस बाहर नहीं आ पाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। नीचे देखते हैं हमारे पास कितना है, वन प्लस, देखिए यहां पर माइनस टू का स्क्वायर है तो प्लस फोर हो जाएगा, और ये वन प्लस वन कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटू टू में आ जाएगा, क्लियर है यहां तक चीजें। तो ऊपर आपको मिल गया अट्ठारह और नीचे मिल गया नौ, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, नौ दुनी अट्ठारह और दो, आंसर आपका आंसर हो गया, क्लियर है। ऑप्शन नंबर टू इज योर आंसर। समझ में आया तरीका, बिल्कुल वो जो तरीका मैंने बताया ना उसको एक बार ट्रायल करके देखिएगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो है ना, जो ज्यादा से ज्यादा टफ दिखते हैं, इस प्रकार से कठिन दिखते हैं, उन प्रश्नों को आप इस प्रकार के क्वेश्चन को, ये जो तरीका मैंने बताया, इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं, क्लियर है। तो आज जो मैंने चीजें बताई, जो तरीका मैंने बताया, उसको एक बार ट्रायल करके देखिएगा, और ये एक बार आप देखिएगा जरूर, जो आपका इस हफ्ते जो सीजी टेट का एग्जाम होने वाला है उसमें आप मान के चलिए एलजेब्रा से ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। और इसी प्रकार की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे, कॉम्पिटिशन कम्युनिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चलते मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।